सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बर्ड्स केयर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त वसीम अदलेन जी, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। और हाजिर हुए हैं उस्ताद रमजान साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद जी, कैसे हैं आप? दुआएं आप लोगों को। उस्ताद जी माशाल्लाह 70-80 साल से कबूतरबाजी कर रहे हैं, कोई ऐसी वाकया, कोई ऐसी बात जो आपको यादगार रही हो, जो आपको अच्छी लगती हो, उसके बारे में कोई बताएं हमारे दोस्तों को। देखो जी, मैं तो अब मैंने पीछे वीडियो भेजी थी जी जी, तो उसके ऊपर मैंने कहा था ये कबूतर नहीं उड़ेगा अभी। अच्छा, वो आज बैठा है 12:00 पे। अच्छा, वो नजीर साहब वाला? हाँ जी, जीरा जो दागा साहब हो गया था। हाँ जी, जीरे वाला। अच्छा, जीरे वाला। अच्छा अच्छा, उसके बाद जिसकी भी तमन्ना ना, हाँ हाँ, वो मेरे पास आ जाए, मैं इतवार को उसको अगले को उड़ा के दिखा। असल में क्या किया आपने, कोई इसको नुस्खा लगाया है या क्या कोई? वो मैंने रखा हुआ था प्यार से। अच्छा, मैंने कहा ये बचा रहेगा। अच्छा अच्छा, ये अगले साल उड़ जाएगा। अच्छा, पर मेरे को अगले मेरे थोक लामे मिले। अच्छा, तो मैंने उसको ट्राई करी। अच्छा, वो चल पड़ा। यानी बात वही है कि कबूतर पे मेहनत की जाए तो कबूतर कोई भी है वो चल पड़ता है। अच्छा, वो तो चले ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात जो आपको आज तक याद रही हो, कबूतरबाजी के वाले से बात करना चाह रहा हूँ। देखो जी, मेरे पास एक बाजी लगी, मेरा एक कबूतर था, मेरे कबूतर बैठे 11:00 पे। अच्छा, जेठ 15 जेठ था, तो मेरी बाजी लगी थी साईं लतीफ से। अच्छा, वो कबूतर मेरा एक ठप्पा था, किसको कोई पूछता ही नहीं था। सही, वो उड़ाया, वो बैठा 4:00 में मुर्शिद ने आता। अच्छा, मुर्शिद और दीन, सही, ये दोनों थे। अच्छा, जब उन्होंने कहा कि रट्ठा उड़ सकता है बाबा जी, हाँ जी, तो मैं कहा ये खरबूजा है। अच्छा, उड़े ना उड़े, उड़ जाए तो फटाफट उड़ जाए। सही सही, ना उड़े साल लग जाता। बिल्कुल सही बात है, सही हो गया। तो मैंने इस मारे वो अंदाजे से एक बात कर दी थी कि मीरा साहब ये नहीं, मैं कहा बच जाएगा कबूतर मेरा। अच्छा, तो मैंने कहा अगले साल काम आ जाएगा। सही सही सही, लेकिन आपने उसको अपना कुलिया लगाया और उड़ाया तो वो आज 12:00 के बाद बैठा है। हाँ जी, चले सही हो गया। कोई पैगाम देना चाहें नए कबूतरबाजों को? पैगाम ये है कि मैं किसकी तमन्ना होगी, मेरे पास जिंदगी रही जी जी, तो मैं खुद चल के आऊँगा, तो उसे एक डजा लगाऊंगा। जीरे वाले 2-3 कबूतर हैं मेरे पास। चले ठीक हो गया, और मैं डालूंगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। वालेकुम अस्सलाम।